नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचबीएन न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें नॉनस्टॉप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा रेल हादसा, ट्रैक पर सो रहे प्रवासी मजदूरों को ट्रेन ने कुचला, 14 की मौत। वंदे भारत मिशन के तहत यूएई से 363 भारतीयों को केरल लेकर पहुंचे दो विमान, 5 लोगों में मिले कोरोना के लक्षण। विदेश से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए किया जाएगा क्वारंटीन। CSIR का ऐलान, भारत में कोरोना वायरस की दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर हो रहा काम। कोरोना वायरस से BSF के 2 और CISF के 1 जवान की मौत, 500 के करीब संक्रमितों की संख्या। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, जून जुलाई में कोरोना के केस पीक पर होंगे। नोएडा के DM का आदेश, लॉकडाउन के दौरान फीस ले सकेंगे स्कूल, लेकिन फीस बढ़ाने पर लगाई रोक। लखनऊ में कोई नया कोरोना वायरस केस नहीं, 70% ठीक होकर जा चुके हैं घर। तमिलनाडु के NLC थर्मल पावर स्टेशन का बॉयलर फटा, 7 कर्मचारी जख्मी। सूरत से उड़ीसा लौटे 21 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि।